हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा बुनाई डिज़ाइन फिर से एक रिक्वेस्टेड पैटर्न है जो कि काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट में था, लेकिन क्योंकि कॉमन पैटर्न है तो मैं इसे पहले तो बना नहीं रही थी, लेकिन सब्सक्राइबर थोड़ी सी नाराज़ हो गई हैं। होप उनको ये पसंद आएगा। इस तरह से ये दिखाई देता है फ्रंट से और बैक से इस तरह से दिखाई देगा आपको। और इसके लिए हमें जो स्टिचेस चाहिए, जो फंदे चाहिए, वो 6-6 के मल्टीपल में 4 फंदे एक्स्ट्रा, मल्टीपल ऑफ 6 + 4। तो यहाँ पे इसे मैंने 34 स्टिचेस पे बनाया है, 34 फंदों पे बनाया है, क्योंकि थिक वूल है, थोड़ी सी मोटी है। तो अभी हम इसे 16 फंदों पे बनाएंगे, 16 स्टिचेस पे। तो देखिए फर्स्ट रो हमारी जो है ये फाउंडेशन रो है, इसे हमने रिपीट नहीं करना है। राइट साइड से सीधी तरफ से बेस रो जो हम बनाएंगे, पहले फंदे को स्लिप करेंगे बॉर्डर के बाद। ये देखिए, अब पहले हम एक फंदा उल्टा बुन लेंगे। अब यहाँ से हमारा 6 फंदों का पैटर्न रिपीट स्टार्ट होगा, 6-6 फंदों का। उसमें हम पहले 2 फंदे उल्टे बुनेंगे 6 में से, जो हमने रिपीट करना है। देखिए 2 उल्टे, धागा पीछे ले जाएंगे। अगले फंदे को हमने एक बार ऐसे सीधा बुनकर धागा आगे लाना है, थोड़ा लूज़ रखिएगा। फिर से एक बार सीधा बुनकर एक फंदे के 3 बना लेंगे। फिर अगले फंदे में भी सीधा बुनते हुए ऐसे ही एक फंदे के 3 बना लेंगे। ये 2 फंदे ऐसे बुने। अब फिर 2 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे, एक और ये 2। और ये जो हमने 6 फंदे बुने, स्लिप करने के बाद एक उल्टा बुना, उसके बाद जो 6 फंदे बुने, 2 उल्टे, 2 फंदों के 3 बनाए, फिर 2 उल्टे। ये पूरी रो में रिपीट करना है। फिर से देखिए 2 उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे बुनते हुए इनके 3 बनाएंगे, 1 2 3, 1 2 3। थोड़ा सा इसे लूज़ रखिएगा ताकि बुनने में आसानी रहे इसको आगे। अब फिर यहाँ पे 2 फंदे उल्टे। तो ये 6-6 फंदे पूरी रो में रिपीट करते हुए चलते जाएंगे। लास्ट में हमारे 2 फंदे ही बचेंगे, जिन्हें हम एक उल्टा और एक सीधा बुनकर फिनिश कर लेंगे ये वाली रो। तो ये हमारी फाउंडेशन रो कंप्लीट हुई। अब दूसरी सिलाई, सेकेंड रो, फाउंडेशन ही समझ लीजिए, वैसे ये रिपीट होनी है। इस फंदे को स्लिप किया। अब ये जो हमारे फंदे उस तरफ से उल्टे बुने गए थे, इन्हें हम सीधा बुनेंगे, 3 फंदे आ गए ये ऐसे। अब धागा आगे लेकर आएंगे। ये जो हमने 2 फंदे, जिनके हमने 6 फंदे बनाए थे, इन 6 फंदों को इस तरह से ही उतार लेंगे ऐसे। फिर धागा पीछे ले जाएंगे और 2 फंदे सीधे। अब ये देखिए, यहाँ से 2 सीधे, फिर ये 6 फंदे बिना बुने उतारे, फिर 2 सीधे। ये पूरी रो में रिपीट होगा, 2 सीधे, धागा आगे, 6 फंदे बिना बुने उतारे, धागा पीछे ले गए, 2 सीधे। पूरी रो में ये ऐसे करते जाएंगे। लास्ट में हमारे 2 ही फंदे बचेंगे, जिसमें से एक को सीधा और एक स्टिच को हम उल्टा बुन लेंगे। तो ये हमारी 2 फाउंडेशन रोज कंप्लीट हुई। अब देखिए फर्स्ट रो पैटर्न की, पहले फंदे को स्लिप किया, एक फंदा उल्टा बुना, उसके बाद हमारा फिर से पैटर्न रिपीट स्टार्ट होगा। देखिए जो हमने फिर से रिपीट करना है, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। अब जो अगला उल्टा फंदा है, धागा पीछे ले जाकर इस उल्टे फंदे को हमने पीछे से और इन 3 फंदों को आगे से राइट को लेकर आना है। ये देखिए, ऐसे लाए और इन 3 फंदों का फ्रंट लूप से एक फंदा बना लेंगे। और ये जो हमने एक फंदा लाया है, इसके 3 फंदे बना लेंगे, 1 2 और ये 3। अब इस तरफ के जो 3 हैं, इन्हें हमने लेफ़्ट की तरफ को लेकर जाना है। तो इन चारों को उतारा, इन 3 में से नीडल निकाल कर इन्हें आगे लाएंगे, इस एक फंदे को पीछे से आगे लाएंगे। अब इस एक के 3 फंदे बना लेंगे, एक, धागा आगे ऐसे, और इन 3 फंदों को इस तरह से बैक लूप से 3 का एक करते हुए बुनेंगे। फिर एक फंदा उल्टा। और ये जो 6 फंदे हमने बुने हैं, इनको अब हम बार बार रिपीट करते जाएंगे। फिर से देखिएगा, एक फंदा उल्टा जो रिपीट करना है, एक फंदा उल्टा, 2 फंदों में इस तरह से ट्विस्टिंग करेंगे। फिर से जो ये उल्टा बुना है, इसे पीछे से, और जो ये 3 फंदे हैं, इन्हें आगे से लाएंगे। इस तरह से इनका अब फ्रंट लूप से धागा पीछे करना नहीं भूलिएगा। तीन का एक कर देंगे फ्रंट लूप से, नॉर्मल जैसे बुनते हैं हम, तीन का एक ऐसे, और इस एक फंदे के फिर से तीन फंदे बना लेंगे। अब इस तरफ के इन तीन फंदों को लेफ़्ट की तरफ को लेके जाने के लिए चारों को उतारा, तीन को आगे से लाए, इस एक को पीछे से लाए, इस एक के तीन फंदे बना लेंगे, एक धागा आगे फिर एक फंदा सीधा, और इन तीन फंदों को फिर से हम बैक लूप से एक बनाते हुए ये लीफ की शेप बना लेंगे, ऐसे एक फंदा उल्टा, और ये छह फंदे ही फिर से हम पूरी रो में रिपीट करेंगे। एक उल्टा, दो फंदों में ट्विस्टिंग की, फिर दो फंदों में ट्विस्टिंग की, फिर एक फंदा उल्टा, लास्ट में हमारा एक फंदा उल्टा आएगा और एच स्टिच को हम सीधा बुन लेंगे। तो ये हमने फर्स्ट रो कंप्लीट की है। अब सेकेंड रो, दूसरी सिलाई उल्टी तरफ से पहले फंदे को स्लिप किया, अब एक फंदा सीधा बुनने के बाद बैक साइड से हमारा पैटर्न रिपीट स्टार्ट होगा। हमने हर रॉन्ग साइड ऐसे ही बुननी है, एक फंदा सीधा ये बुना जाएगा, इस फंदे को भी सीधा बुन लेंगे जिससे हमने तीन का एक किया था। अब ये जो हमने एक के तीन बनाए हैं, इन तीनों को भी उतारेंगे, इधर भी एक के तीन बनाए थे, इन तीनों को भी उतारेंगे ऐसे, फिर धागा पीछे ले जाएंगे और दो फंदे सीधे, और फिर यही रिपीट, दो सीधे, छह फंदे बिना बुने, दो फंदे सीधे, दो सीधे, छह फंदे बिना बुने, एक दो तीन चार पाँच और छः, और फिर धागा पीछे, फिर दो फंदे सीधे, पूरी रो में करते जाएंगे। लास्ट में एक सीधा और एच स्टिच उल्टा जाएगा। तो ये हमारी सेकेंड रो कंप्लीट हुई। अब थर्ड रो, तीसरी सिलाई। फ्रेंड्स, इसे हमने बिल्कुल रो वन की तरह ही बुनना है। फिर से थोड़ा सा मैं आपको बताऊँगी। पहले फंदे को स्लिप किया, एक फंदा ये उल्टा, उसके बाद हमारा पैटर्न रिपीट स्टार्ट होगा जिसका एक फंदा उल्टा आएगा, फिर धागा पीछे ले जाएंगे और इस उल्टे फंदे को इन तीन फंदों से ट्विस्ट कर लेंगे। यानी कि हमने ये जो दो सिलाइयाँ बुनी हैं फर्स्ट और सेकेंड रो, इन्हीं को ही बार बार रिपीट करते हुए चलना है। ट्विस्ट करने के बाद इन तीन का एक कर देंगे और जो एक फंदा है इसके तीन बना लेंगे। तो जब हम इन दो सिलाइयों को बार बार रिपीट करते जाएंगे तो ही हमारा ये पैटर्न जो है इस तरह से लीफ मोटिफ बनता जाएगा। देखिए, इस एक के तीन बनाएंगे, ये हम फर्स्ट रो को ही बुन रहे हैं थर्ड रो में। तो दो सिलाइयों का ही पैटर्न है ये, और देखने में आपको ये लग रहा होगा मुश्किल है, लेकिन बनाने में बहुत आसान है और जल्दी बनने वाला है। थोड़ी सी वूल इसमें ज़्यादा लगेगी, मतलब जैसे अगर 100 ग्राम वूल में कुछ प्रोजेक्ट बनता है तो इसमें आपकी 140 ग्राम के करीब वूल लग जाएगी, क्योंकि ये एक्स्ट्रा वूल लगती है जो हम एक के तीन बनाते हैं फंदे। तो इसे ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।